जय हिंद दोस्तों, एमडी टू रीडर पब्लिकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम करेंगे इंडियन सी पोर्ट्स। भारत की जितनी भी प्रमुख बंदरगाहें हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। एमडी टू रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आप मेरी वीडियो की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंडियन सी पोर्ट्स, भारत की प्रमुख बंदरगाहें। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट्स होती क्या हैं। पोर्ट्स होती हैं बंदरगाह, हम उसको बोलते हैं जो एक जहाँ पर हमारे जितने भी जहाज हैं आकर रुकते हैं। पानी समुद्र के किनारे एक स्पेसिफिक कोई स्टैंड बना दिया जाता है और वहाँ पर आके हमारे जब सी के जितने भी समुद्र के जितने भी जहाज हैं वो रुकते हैं तो उस जगह को हम पोर्ट्स बोलते हैं, बंदरगाहें बोलते हैं। अब हम भारत की प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे। भारत में लगभग 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं, जिसमें से 12 बंदरगाहें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और जिसमें से एक कॉरपोरेशन ऑपरेट करता है, प्राइवेट बंदरगाह है, उसका नाम है एनोर पोर्ट। 12 बंदरगाहें हमारी जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वहाँ पर हैं, जबकि एक बंदरगाह हमारी अंडमान और निकोबार सागर में है, अंडमान आइसलैंड पर है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो है, पोर्ट ब्लेयर हमारी बंदरगाह है अंडमान एंड निकोबार पे, वो भी 13 मेजर जो सी पोर्ट्स हैं हमारी उनके अंदर काउंट होती है। अब हम बात करेंगे हमारी जो वेस्टर्न प्लेन्स के अंदर जो बंदरगाहें हैं उनकी, कांडला है, मुंबई है, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मार्मागुआ है गोवा है जो कि गोवा के अंदर है, मैंगलोर पोर्ट है मैंगलोर में है, इसको हम न्यू मैंगलोर के नाम से भी जानते हैं, कोचिन पोर्ट है, तुतिकोरिन है, चेन्नई है, एनोर है। ये एनोर, चेन्नई और तुतिकोरिन तमिलनाडु के अंदर है तीनों की तीनों। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसके अंदर तीन सी पोर्ट्स हैं जो कि सबसे बड़ी हैं, विशाखापट्टनम, पारादीप, कलकत्ता। ये हमारी ईस्टर्न घाट के ऊपर जितनी भी पोर्ट्स हैं वो है। अब हम शुरू करते हैं, 13 मेजर सी पोर्ट्स के बारे में हम जान चुके हैं। सबसे पहले हम कांडला पोर्ट की बात करेंगे। कांडला पोर्ट हमारी गुजरात के अंदर है। कांडला बंदरगाह ये गल्फ ऑफ कच्छ से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है और ये कांडला क्रीक के अंदर, क्रीक होता है एक छोटा सा पानी का एरिया, स्ट्रीम बोलते हैं जिसको हम, जो कि मुख्य समुद्र से कटा हुआ भाग होता है, उसके अंदर ये पोर्ट बनाई गई है। 1950 के अंदर ये पोर्ट बनाई गई थी, कराची पोर्ट की जगह पर ये बनाई गई थी। जब हमारा देश, सबसे पुरानी बंदरगाह है ये हमारी, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले बनने वाली बंदरगाह यही है कांडला पोर्ट, क्योंकि उस जगह पर हमारी कराची पोर्ट होती थी जो कि अब पाकिस्तान के अधीन है। लेकिन वो उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर नई बनाई गई, उसकी कराची पोर्ट की कमी पूरी करने के लिए। ये एक प्रकार की टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है, जब लहर आती हैं, समुद्र की लहर आती हैं उसी समय जहाज बहाकर यहाँ पर इसके किनारे आ जाते हैं, उसके बाद में जब दोबारा से लहर आती है तो उसी के भाव से वो जहाज वापस पीछे समुद्र में चले जाते हैं, उसी को हम टाइडल पोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्टिंग ये ग्रेन्स के लिए है और इम्पोर्टिंग यहाँ पर तेल का इम्पोर्ट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब हम दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर है ये, नाहवा सावा पोर्ट भी हम इसको बोलते हैं। दो विलेज हैं महाराष्ट्र के अंदर, नाहवा सेवा पोर्ट, ये उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है नाहवा सेवा पोर्ट। ये मुंबई से कुछ ही दूरी पर है, मुंबई के ईस्ट में है ये, नीचे साउथ की ओर ये पड़ती है और 26 मई 1989 में बनकर ये तैयार हुई थी। एक्सपोर्ट करती है ये टेक्सटाइल्स का, कारपेट्स का और टेक्सटाइल मशीनरी का, बोनलेस मीट का, स्पोर्टिंग गुड्स का, और इम्पोर्ट होता है यहाँ पर केमिकल्स का, मशीनरी का, प्लास्टिक्स का, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का और एल्यूमिनियम का। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो कोई भी सामान दूसरे देश से हमारे देश के अंदर आयात किया जाता है, सॉरी हमारे देश से दूसरे देश पर निर्यात किया जाता है उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, और इम्पोर्ट होता है दूसरे देश से अपने देश में आयात करने वाली वस्तुओं को हम इम्पोर्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर मुंबई पोर्ट की। ये भारत की लार्जेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ी पोर्ट है और वेस्ट मुंबई के अंदर ये है। नेचुरल हार्बर है,
प्राकृतिक बंदरगाह है ये, और इसकी गहराई लगभग 10 से 12 मीटर है। काफ़ी बड़े कंटेनर आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, और ये भारत के जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है उसका लगभग 1/5 हिस्सा ये हैंडल करती है। भारत का सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कंटेनर आते जाते रहते हैं। हम इसको भारत के फ्रंट बे के नाम से भी जानते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर है, और ये इंपोर्ट करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, लिक्विड केमिकल्स का और मिनरल ऑयल्स का। एक्सपोर्ट होता है यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल का, लेदर, टोबैको, मैंगनीज और मशीनरीज का। अब हम विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करेंगे जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये चेन्नई और कोलकाता दोनों पोर्ट्स के बीच में है आंध्र प्रदेश में, और ये लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा इसका इनॉगरेशन किया गया था, मतलब कि उद्घाटन किया गया था 19 दिसंबर 1933 में। कॉस्ट इसकी लगभग, लागत जो आई थी वो थी 378 लाख रुपए की लगभग लागत आई थी इसकी। और ये तीन हार्बर्स में, तीन बंदरगाहों में बांटा गया है। पहला है द आउटर डॉक, दूसरा है द इनर हार्बर और तीसरा है द फिशिंग हार्बर। डॉक की बात करें हम तो डॉक होता है एक प्रकार का जहाज़ों का बेड़ा खड़ा करने की जगह को हम डॉक बोलते हैं। हार्बर हम, मैं बता चुका हूँ, बंदरगाह को बोलते हैं, सी पोर्ट भी बोलते हैं, और फिशिंग हार्बर जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और ये ट्रेड करता है यहाँ से आयरन ओर का, कोल का, कोयला होता है जिसे हम बोलते हैं कोयला, और एल्यूमिनियम और तेल का। अब हम बात करेंगे चेन्नई पोर्ट की। चेन्नई पोर्ट हमारी तमिलनाडु के अंदर है, भारत का दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा सी पोर्ट है, सबसे बड़ी बंदरगाह है ये, और ये मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि चेन्नई को हम मद्रास भी बोलते थे, और ये 1881 में काम करना शुरू किया था इसने। भारत की तीसरे नंबर की ओल्डेस्ट पोर्ट है, तीसरे नंबर पर यह सबसे पुरानी पोर्ट है, और ये कोरोमंडल तट पे लाई करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है। आर्टिफिशियल पोर्ट है, आदमियों के द्वारा बनाई गई पोर्ट है। दो प्रकार की पोर्ट होती हैं, एक नेचुरल पोर्ट, नेचुरल हार्बर जिसको हम बोलते हैं, दूसरी आर्टिफिशियल पोर्ट। नेचुरल होती है प्राकृतिक बंदरगाह, और आर्टिफिशियल पोर्ट होती है इंसानों के द्वारा, मैन में भी बोलते हैं हम उसको, इंसानों के द्वारा बनाई गई। इंपोर्ट करती है ये ऑयल एंड मोटर्स का, वीट का और रा कॉटन का, कच्ची कपास का भी यहाँ पर इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट होता है ग्राउंड नट्स का, ग्रेनाइट का, ओर्स का। ओर्स होती हैं किसी भी खनिज पदार्थ के कच्चे, उसमें जब वो प्रेजेंट होता है कच्चे रूप में होता है तो उसको हम और बोलते हैं। लेदर और कॉटन टेक्सटाइल्स का, सूती कपड़ों का भी यहाँ से आदान प्रदान होता है, सॉरी एक्सपोर्ट होता है। अब हम बात करेंगे मार्मागोआ पोर्ट की, जो कि गोवा के अंदर है। 1885 में खुला था ये, एक प्रकार से नेचुरल हार्बर है, प्राकृतिक बंदरगाह है ये, और मारवा गोवा पोर्ट ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है जो इसको ऑपरेट करता है। साउथ गोवा के अंदर है, और आयरन ओर एक्सपोर्ट के मामले में लीडिंग पे है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है, और लगभग भारत का हर साल 50.02 मिलियन टन आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। सातवें नंबर पर हमारी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, जो कि अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। एकमात्र ऐसी सबसे बड़ी पोर्ट है जो कि किसी द्वीप के ऊपर है, अंडेमान सागर के अंदर ये लाई करती है। साउथ अंडेमान डिस्ट्रिक्ट है, अंडेमान चार भागों में बटा हुआ है, मैंने आपको बताया था, नॉर्थ अंडेमान, मिडल अंडेमान, साउथ अंडेमान और लिटल अंडेमान। तो साउथ अंडेमान जो तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हमारी, वहाँ पर यह पोर्ट ब्लेयर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी राजधानी है अंडेमान निकोबार की। ये 13वीं सबसे बड़ी पोर्ट है, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है 13वें नंबर की, और भारत को, भारत के मेनलैंड से ये जोड़ती है अंडेमान को, वहीं पे सिप है, जहाज़ों का बेड़ा भी, सी पोर्ट भी वहीं है, और फ्लाइट भी वहीं से मिलती है, एक प्रकार से एयरपोर्ट भी वहीं है पोर्ट ब्लेयर अंडेमान में। अब हम बात करेंगे कलकत्ता पोर्ट की। कोलकाता पोर्ट जो कि इसमें हुगली रिवर के किनारे बना हुआ है, बे ऑफ बंगाल से लगभग 128 किलोमीटर दूर है ये, और ये खासकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में ट्रेड करने के लिए काफ़ी सहायक है, और गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पूर्वी भारत का जो द्वार है उसको, इसको हम बोलते हैं कोलकाता पोर्ट को। दो डॉक्स के अंदर ये बटा हुआ है, पहला डॉक है कोलकाता डॉक, दूसरा है हल्दिया डॉक। हल्दिया डॉक ये गुजरात, ये हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, हल्दिया डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है ये। ओल्डेस्ट पोर्ट है, काफ़ी पुराना पोर्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था, और ट्रेड ऑफ जूट, जूट के ट्रेड के लिए, जूट की खेती होती है, आपको पता है हमारे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जूट की खेती होती है, वहीं से जूट का ट्रेड होता है कोलकाता पोर्ट से। एक्सपोर्ट करती है जूट प्रोडक्ट्स,
जो जूट जूट एक प्रकार का मटेरियल होता है जिससे हम बोरी कट्टे आदि बनाते हैं। टी की एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है, कोयले का, स्टील का, आयरन और कॉपर, लेदर, इन सब का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। और इंपोर्ट होता है मशीनरी का, क्रूड ऑयल का, पेपर का, फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट भी यहीं से होता है और केमिकल प्रोडक्ट्स का। अब हम पढ़ेंगे हमारी 9th नंबर पर जो है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा के अंदर है। डीप वाटर सी पोर्ट है, काफ़ी गहरे पानी की बंदरगाह है यहाँ पर और काफ़ी बड़े कंटेनर्स को ये अलाउ करती है और साथ में आयरन और कोयल का ये डील करती है, एक्सपोर्ट करती है जापान में। ये लगभग इसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का रेशियो होता है वो 1:2 है, मतलब कि जितना ये इंपोर्ट करती है उससे 2 गुना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करती है बंदरगाह। और ये रेलवे सिस्टम से भी कनेक्टेड है, रेलवे लाइन भी यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई है। अब हम बात करेंगे 10वें नंबर पर तुतीकोरिन पोर्ट की, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट है, मैं बता चुका हूँ, चेन्नई पोर्ट जिसको हम मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तुतीकोरिन पोर्ट और एनोर पोर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं तुतीकोरिन पोर्ट के बारे में, जो कि काफ़ी अभी नया बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, मैनमेड है और श्रीलंका के साथ में ये ट्रेड करती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रीलंका के साथ में आदान प्रदान का काम करती है। और ये रोड्स और रेलवे दोनों नेटवर्क से प्रॉपरली कनेक्टेड है, साथ में ट्रेड है इसका कोयले का, साल्ट का, नमक का जिसको हम बोलते हैं, फूड ग्रेन, शुगर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब के मामले में ये ट्रेड करती है। अब हम बात करेंगे कोचिन पोर्ट की, कोची केरला के अंदर है ये। लाइजिन अरेबियन सी, अरेबियन सागर के अंदर ये लाई करती है कोची, यहाँ पर नेवल बेस भी है और ये 2 आइलैंड्स के बीच में है, विलिंगडन आइलैंड्स और वेलरपदम आइलैंड। ये दोनों के दोनों आइलैंड कोची के अंदर है, केरल के अंदर है। और वेलिंगटन जो आइलैंड है वह भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल द्वीप है, लोगों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। साथ में इसके ऊपर जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो भी इसके ऊपर लाई करता है, कनेक्ट करता है इसको भारत की मुख्य भूमि से। हमारी इंडियन नेवल बेस है एक यहाँ पर, कोची नेवल बेस के नाम से भी हम उसको जानते हैं। एक्सपोर्ट करता है ये टी को, कॉफ़ी को और स्पाइसेस को, मसाले काफ़ी मात्रा में होते हैं केरल के अंदर। और केरल को हम गॉड्स ऑन सिटी भी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर मसाले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वहीं से मसालों को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों के अंदर ले जाया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहीं पर सबसे पहला अपना सेटअप किया था। इम्पोर्ट्स मिनरल ऑयल की और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इम्पोर्ट यहाँ से होता है। शिप बिल्डिंग का यहाँ पे एक सेंटर है बहुत बड़ा, यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण भी होता है। एनोर पोर्ट चेन्नई के अंदर है, ये चेन्नई पोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और कोरोमंडल तट के ऊपर ये लाई करता है। 12वां सबसे बड़ा पोर्ट है ये भारत का, 13वां मैं बता चुका हूँ, अंडमान एंड निकोबार जो पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, वो 13वां है, ये 12वां है। साथ में ये रेलवे और रोड दोनों से कनेक्टेड है और मेनली डील्स विद कोयल, कोयले की आदान प्रदान में ये डील करता है। लगभग 16 मिलियन टन कोयला एक साल में यहाँ से निर्यात होता है, तमिलनाडु सॉरी आयात होता है यहाँ पर, क्योंकि तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है और कोयले को एज ए फ्यूल यूज़ करता है। साथ में ये आयरन और केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी ट्रेड करता है। और ये एकमात्र भारत का प्राइवेटली ओन पोर्ट है, मतलब कि यहाँ पर किसी कंपनी का अधिकार है, गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। अब हम 13वें नंबर पर बात करेंगे जो हमारी सबसे पुरानी, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, हम इसको पनम्बूर पोर्ट के नाम से भी जानते थे, कर्नाटक के अंदर है ये और गुरुपुरा रिवर के बैंक के ऊपर ये लाई करती है। 4 मई 1974 के अंदर इसका इनाग्रेशन हुआ था, इंदिरा गांधी जी हमारे पीएम थी, उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। इंपोर्ट करता है ये फर्टिलाइजर्स का, वुड पल्प्स जो ये पेड़ पौधों की खाल होती है उसका भी ये इंपोर्ट करती है, टिम्बर लॉग्स का भी इंपोर्ट करती है, साथ में एलपीजी का भी इंपोर्ट यहीं से होता है। एक्सपोर्ट करती है ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट स्टोन एक प्रकार का पत्थर है जो कि घर बनाने में काम आता है, कॉफ़ी, आयरन और मैगनीज और केशव, इन केशव होते हैं हमारे जितने भी काजू को हम केशव बोलते हैं, उनका एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है, दूसरे देशों में ले जाया जाता है यहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे लिए इतनी ही है, होप आप सभी को पसंद आई होगी। MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।